गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का डे थ्री अभी सुबह के लगभग 5:30 बजे है। डे थ्री है, मॉर्निंग सफारी है, ये आज की हमारी लास्ट सफारी है और अभी बहुत एक्साइटेड है जंगल में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले ज़्यादा एक्साइटेड है चाय पीने के लिए। मैं जीवन बागुल आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे पहले और दूसरे पार्ट्स को इतना चाहा, इतना सराहा, इतना पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जर्नी डेल्स की तरफ से कान्हा सीरीज़ के जो 3 वीडियोस थे उसमें से पार्ट नंबर 3। आज हम इस जंगल में वापस जाएंगे। अब तक हमें शेर नहीं दिखा है, लेकिन आज हम इस उम्मीद से जाएंगे कि यस, आज शेर दिखेगा, लेकिन इस कंडीशन के साथ नहीं जा रहे हैं कि शेर दिखेगा ही दिखेगा। तो चलिए अब देखते हैं नए नजरिए से, नई नज़र से और नए लर्निंग एटीट्यूड से इस जंगल को देखते हैं। जंगल का नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व। डे थ्री सफारी 1, मॉर्निंग सफारी, मिलते हैं जंगल में। 6 शेर चल रहे हैं अभी जंगल में, देखते हैं शेर हमें देखता है या हम शेर को देखते हैं। शेर नहीं अभी। दो शेर, 4 शेर। चीटियों का किला, टर्माइट्स का किला। तो मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूँगा कि आप जंगल में आइए, लेकिन कंडीशनिंग मत करिएगा कि आपको शेर दिखना ही चाहिए। कंडीशनिंग मत रखिएगा, आप जंगल में पढ़ने के लिए आइए। हाँ, शेर दिखा तो चेहरे हम रखे थे, लेकिन जरूरी नहीं है शेर को देखें शेर नहीं होता कि हाँ ये दिखेगा, ये है दिखेगा। हम भी अपना प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जंगल में जितना शेर रॉयल है उतना भी रॉयल है जंगल की है। बहुत कुछ सीखने के लिए है यहाँ पर और जिंदगी बदल देता है ये एक जंगल की राइड। कान्हा सीरीज के हमारे इसके पहले जो हमने पब्लिश किया है वीडियो में, उसमें मैंने आपको इस पंछी के बारे में बताया था। हिंदी में या मराठी में इसको पान कावड़ा बोलते हैं या फिर इसको लिटिल कॉर्मोरेंट बोलते हैं। ये जो बरगद का पेड़ है ना, यानी इसको बैनियन ट्री बोलते हैं, इसने साल के ट्री को कवर किया है, हग किया है। अब ये बरगद का पेड़ जो है ये धीरे धीरे इस साग के पेड़ को ख़त्म कर देगा। अभी अभी दो जिप्सीज ने हमें इशारा किया कि यहाँ पे टाइगर है और उनके कहने के मुताबिक टाइगर यहाँ से बाहर आ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नज़र लगाए बैठे हुए हैं। यहीं से कहीं से बाहर आएगा, लेकिन भरोसा नहीं है, टाइगर है, कहीं से भी बाहर आ सकता है। अरे वो देखो टाइगर, ये तो उस जगह से आ रहा है, यहाँ से नहीं। क्या बात है, शायद ही वहीं से अंदर जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर दो टाइगर है, हमारे आगे पीछे। ये
करो। पीछे जान दे आपकी तरफ मेरे तरफ जान दो ना भाई। पिछले यार थोड़ी पीछे बढ़ा ना। यस ये वहीं से अंदर गया जहां से वो फीमेल अंदर गई थी। अभी हमने दो टाइगर देखे, इसमें से जो बहुत बढ़िया सेटिंग हुआ है इसका नाम है बजरंग मेल टाइगर, और जो दूसरी है वो अभी थोड़ी सी सेटिंग हुई उसकी वो फीमेल है। टाइगर यहीं से अंदर गया है, शायद वापस बाहर आ सकते हैं। रुकना पड़ेगा, आसपास देखना पड़ेगा। अगर वो वहां से अंदर गया है तो अंदर चल के इस एरिया में आएगा, दैट मीन्स यहाँ से हो सकता है कभी भी वो बाहर आ जाए। घूमना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। सुबह की पहली राइड में 7:15 ही साइटिंग हो गया, वो भी दो दो टाइगर से। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो टाइगर सेटिंग होता है ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको अलार्म कॉल्स आ जाए, ज़रूरी नहीं है। आज ये जो हमें साइटिंग हुआ है दो दो टाइगर्स का, वो यहाँ से आए थे, और ये जो एक एरिया है यहाँ पे गोल गोल घूम रहे थे और एक भी अलार्म कॉल नहीं आया था। एकदम शांति से आए, अनएक्सपेक्टेडली आए, और अब ये यहीं कहीं पर है अंदर। हम लोग वेट कर रहे हैं, शायद वापस सेटिंग हो जाए, लेकिन एक भी अलार्म कॉल नहीं, ना ही लंगूर, ना सांबर, ना डियर, किसी का नहीं। ये हमारे बहुत बहुत हैप्पी चेहरे शेर को देखने के बाद दो दो शेर और बहुत बढ़िया साइकिल मिला। अब एक ही तमन्ना है, लेपर्ड दिख जाए। ऐसा नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ऐसा लग रहा शेर इतना वॉयल एक्सरे लेके आया था कि ऐसा लग रहा जाते ना उसको गले लगाए। बहुत ही एक्साइटिंग पर था वो, और जस्ट सफर शुरू होने के बाद 45 डिग्रीज में दिख गया, तो वो एक्सपीरियंस तो था। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ वापस दोहराना चाहूँगा कि जंगल में आप सिर्फ शेर देखने के लिए मत आइए। ऑफकोर्स शेर देखना ये शेर ऑन द केस है। अब यहाँ पर हम म्यूजियम के पास आ गए हैं और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे नाश्ता। जब भी ऐसी जगह पे हम मिलते हैं तो सारे गाइड यहाँ पे इकट्ठा आके डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे शेर है, कहाँ पे क्या हुआ,
और फिर यहाँ से आगे सब चल पड़ते हैं। आज इन लोगों की वजह से ये जंगल भारत के लोगों को और विदेशी लोगों को पता चल रहा है। अगर ये लोग इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाते तो शायद ये जंगल अनजाना रह जाता। ये जो पूरी कमान है ये सिंगों से बनी हुई है, डियर फैमिली जो है उनके, यानी सांबर डियर, उनके सिंगों से ये बनी हुई कमान है। बारासिंघे के लिए फेमस है। 1970 के दशक में यहाँ केवल 66 बारासिंघे बचे थे। उनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कान्हा में ब्रीडिंग फेंस बनाया गया। अभी लगभग 800-900 के आसपास हो गए बारासिंघा। ग्रेजर एनिमल्स ग्रास खाते हैं और मैदान एरिया में रहना पसंद करते हैं। और ये MP का स्टेट एनिमल्स है। कान्हा जो है इसी के लिए फेमस है, ना कि टाइगर के लिए। टाइगर और भी अदर एनिमल तो नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब यहाँ पे टोटल कितने बारसिंघा है? यहाँ लगभग अभी 800-900 के आसपास। और जब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था वो टाइम पे कितने थे? उस समय 66 बचे थे, अभी उनकी पॉपुलेशन बढ़ गया। काफी अच्छा हुआ है। तो कितने हैं जो घूम रहे हैं? ओपन हो गया है, ओपन निकाल दिए गए हैं, बढ़ गए पॉपुलेशन। होती है अभी चल ही रही है जी। भारत में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है बारसिंघा के लिए वो कान्हा में ही है। जी सर, जी सर। हम देख रहे हैं कि फिर एक बार दो जिप्सीज एक दूसरे को क्रॉस हो रही हैं और वहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा है कि कहाँ पे साइटिंग हो सकता है टाइगर का या लेपर्ड का, या फिर कहाँ पे अभी अभी साइटिंग हुआ है। वाव, ये देखिए गिद्ध, वल्चर, उनकी सुबह सुबह की एक फ्लाइट, ये कैसे उड़ रहा है, मस्त आराम से देख रहा है। कहीं भी कुछ नाश्ते के लिए मिल रहा है क्या आज के दिन के लिए? ये एक और आया वल्चर, शायद ना ये 2-4 वल्चर अब यहाँ से शायद उड़ सकते हैं। देखते कैसे दिखते हैं। एक साथ उठ रहे हैं सर, से सर्च करते रहते हैं। ये है इंडियन रोलर, बहुत ही खूबसूरत पंछी, क्या बात है। शायद आज का दिन बहुत लकी है हमारे लिए, वापस एक बार पग मार्क मिले हैं, बहुत फ्रेश पग मार्क है। चलिए इनके पीछे थोड़ा सा चलते हैं। ये सारी गाड़ियां यहाँ पे रुकी है क्योंकि अभी अभी यहाँ पे एक्साइटिंग हुआ है शेर का। 5 शेर बच्चों के समेत, टोटल 5 अंदर इन झाड़ियों में। इसी शेर के पंजों के निशान हमने अभी कुछ देर पहले देखे थे, वो यहाँ पे इतने दूर चल के आए। और ये जो शेर है इनकी माँ, इनका नाम नैना, नैना है। नैना
शेर तो नहीं दिखे, हो सकता है वो कहीं पे अंदर आराम कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे, दूसरे एनिमल्स को देखने के लिए। इंडियन रोलर, एक मिनट रुको। एलेक्जेंड्रिन पैराकिट का आवाज है। ये तीन प्रकार के होते हैं, एलेक्जेंड्रिन पैराकिट, रोजरिंग पैराकिट और पलम हेडेड पैराकिट। लेकिन ये आवाज सुन रहे हैं एलेक्जेंड्रिन पैराकिट का। कई साल पहले काना में एलिफेंट सफारी भी होती थी, यानी क्या कि एलिफेंट के ऊपर टूरिस्ट बैठते थे और फिर वो जंगल में घूमने के लिए जाते थे। अगर शेर दिखा तो वहाँ पे शेर के बाजू से सारे एलिफेंट्स खड़े हो जाते थे, शेर को घेर लेते थे और फिर शेर देखने का मज़ा उठाते थे। तो अब तो ये बंद हो गया है, अब तो अलाउड नहीं है एलिफेंट सफारी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने जो हाथी पाले हैं उनको तो वो छोड़ तो नहीं सकते ना, तो वो हाथी जो पाले हुए हैं उसमें से ये एक हाथी है। इसके पैर को जंजीर तो हम देख रहे हैं। कान्हा के इन तीन पार्ट्स की सीरीज में जो फोटोग्राफ्स हमने आपको दिखाए हैं उनकी और एक दो तीन जो वीडियोस जो है उनकी कल्टे सी जाती है मिस्टर मिलिंद देशपांडे जी को। मिलिंद देशपांडे जी एक जाने माने एक्सपर्ट है वाइल्ड फोटोग्राफी के, नेचर के। पिछले 40 साल से उन्हें पंछियों के बारे में, जंगल के बारे में, प्राणियों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। और इसके साथ साथ ही वो पिछले 40 साल से एक्सपर्ट है माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग के। तो कई सारे एक्सपीडिशंस में उन्हें बुलाया जाता है एज एन एक्सपर्ट। बारसिंगा एंडेंजर्ड एनिमल, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है कान्हा फॉरेस्ट में। बहुत कम इनकी संख्या हो गई थी, अब काफ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी इन्हें बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दिया गया है। ये दो जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये फीमेल है। इस जंगल की एक खासियत हमने देखी है पिछले दो दिनों में कि हर एक एरिया में अलग अलग कलर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जंगल का। कई एरियाज हैं जहाँ पे सूखे पेड़ दिख सकते हैं, कई एरियाज हैं जहाँ पे एकदम ग्रीनरी देख सकते हैं, कई एरियाज में थोड़े से रेडिश पत्तों के हम पेड़ देख सकते हैं, कई एरियाज में हम येल्लो पत्तों के पेड़ देख सकते हैं। एक ही जंगल में अलग अलग तरीके की सीनरी। यहाँ पे एक पिकॉक है ग्रास के अंदर, थोड़ा सा मुश्किल से दिख रहा है। ये सारे स्पॉटेड डियर पीछे जो एक वाइल्ड बोर है ना, जंगली सुअर, उसको देख रहे सारे के सारे। बारसिंघा एकदम लुप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे, एंडेंजर्ड एनिमल बन गए थे। और ये कान्हा, ये एक ऐसा प्लेस है और एक अकेला ऐसा प्लेस है, जंगल है कि जहाँ पे इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए स्पेशल एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। कान्हा का योगदान बहुत बड़ा है इसमें।
ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, एक सामने फेंसिंग आप देख रहे हैं जाते जाते, थोड़ा सा दूर पर अभी आपको दिखाई देगा फेंसिंग। तो ये फेंसिंग के उस पार जो है वो एरिया है बारसिंगा के लिए। ये बारसिंगा वहाँ पे उनको रखा जाता है और उनका ब्रीडिंग करवा के उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अरे वाह, यहाँ पे तो एक डियर मम्मी है और उसका बच्चा है साथ में। कितना क्यूट है वो बच्चा। कैसे उसके पैरों के बीच में से चलने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई जा रहे, कितना चिल्ला रहे, आवाज सुने उसके अपने। वहाँ पे सामने बहुत सारे वल्चर्स ऊपर घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ शिकार हुई है, तो उसको साफ करने के लिए, उसको खाने के लिए वहाँ पे मंडरा रहे ऊपर। ये जो फेंस देख रहे हैं आप, घास को बढ़ाने के लिए है। बारासिंगा वाले ग्रास ही खाता है, इसलिए फेंस करके रखे हैं। गर्मी के समय निकाल देंगे फेंस को। ये सारे बारासिंगा है, इतनी बड़ी संख्या में दिखना रेयर। कहो सिंह आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। एक बार सिंगा को हम देख सकते हैं कि अच्छे खासे सिंगा आ गए हैं यहाँ पे। चलिए अब हम जाने वाले हैं उस टनल के अंदर और टनल के उस पार हम बाहर निकलेंगे, उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। सुने तो शायद यहाँ पे आसपास कुछ हो सकता है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये देखिए, ये जो लंगूर है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर रहे हैं। एक तो जस्ट मिस आउट हो गया मुझसे शूटिंग करने के लिए, लेकिन इंतज़ार करते ही दूसरा लंगूर शायद जंप मारेगा। इस जंगल ने हमें बहुत सारे कलर्स दिखाए हैं और ये और एक अलग कलर जो अभी तक इस जंगल में इस तरीके से हमने नहीं देखा था,
देखिए जरा इस पहाड़ी को, ऐसे लग रहा है कि पूरी एक हरे रंग की चादर लपेटी हुई है इस पहाड़ी ने। हमें आशा है कि आपको हमारे ये कान्हा टाइगर रिजर्व के वीडियोस अच्छे लगे होंगे। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और आप मिलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पर कुछ ही दिनों के बाद। इंतज़ार कीजिएगा प्लीज़। बाय बाय।